सीमित मौका और मौका अवसर तथा उनके पास में और ये गोल होता हुआ नारायण जी जी हाँ उम्मीद कर रहे थे काफी मशक्कत काफी मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं और मुन नायक का हाथ में क्लियर था लेकिन उन्होंने दो नंबर सुशील नतेखोन जुनस 15 नंबर जल्दबाजी हुई अरे सपोर्टर लेकिन थोड़ा गन बॉल नहीं दिखी दे रही है सिस्टम लेकिन इसी बीच फाउल फाउल हो जाएगा निश्चित तौर पर आरिफ बुझौदा लगभग लगभग मैच समापन दिया कोहली की से बैटिंग करा उन्हें यह थे मां अगला मैच अगला टीम एफसी आडा जी नहीं एफसी फॉसिल पार्क मंडरो और एएफसी फाटा जितना जल्दबाजी हो आप अपने कार्य को धीरे धीरे ही सही लाइन अप करने की कोशिश करेंगे और अगला विवरण के लिए चलिए दुर्गा जी आपका स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद समय कम है लेकिन हौसला थोड़ी ना कम है इसीलिए हमें भी कोई गम नहीं है इसी बीच आप सरकार के बच्चे सीखने बोलते हैं बिल्कुल अवसर ये अंतिम समय पर यह जब तो जब कितना काम आएगा कोशिश करेंगे ये मशक्कत से मेहनत रंग लानी चाहिए लेकिन इसी बीच विशिल रुकता हुआ थमता हुआ जबरदस्त जबरदस्त और मैं जिस बात को जिक्र कर रहा था दो गोल के वजह से अभी तक सुरक्षित है एक तो वाकओवर के तौर पर गोल 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 मिला था लीड मिला था और एक सुशील रंजन का गोल खड़ा था तभी मैं ये कह रहा था कि ये अगर सुशील रंजन का गोल नहीं हुआ होता तो स्कोर बराबरी पर होता और स्कोर बराबरी पर होता और कितना जबरदस्त और ये अंदर 1 सेकंड ले पाओ पर इस यहां पर ये शॉट लिया है मौका पर 1 सेकंड जैसे छह हेडर डाल दिया 1 सेकंड बॉल वही पार लटकता हुआ जमता हुआ हेडर जद्दोजहद कोशिश ये शॉट ये धकेलने का प्रयास दिखा दिया यहां पर इस बार भी अवसर था शॉट लेने की कोशिश सुशील रंजन 1 सेकंड बॉल पर हावी होते हुए धकेलने की कोशिश और बॉल कहां तक जाएगा बॉल बाहर चली जाएगी पूरी तरह से कॉर्नर करके रखा है बांध के रखा है खेरवा गेट प्लेयर्स को यही प्रयास यदि फौसला तो हुआ होता तो परिणाम कुछ और होता लेकिन खेरवा भी मैदान पर जबरदस्त तरीके से हर हमले का जवाब देता हुआ किसी भी यहां पर अंदर बॉल यहां पर मिलता हुआ इस बीच और काफी कोशिश बॉल को निकाल दिया दो खिलाड़ी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग समझ ही नहीं पाए बॉल बाहर चली गई खोई करने के लिए यहां पर इसके पास ये देखिए लेकिन काफी अकेले रहे वहां पर देखिए समय जाया नहीं कर रहे हैं मून नाइट बगल लंबा लौट किया है हेडर बीच में डाल दिया है मौका किसी तरह निकाला लेकिन खिलाड़ी सटीक खिलाड़ी के पास सत्य खिलाड़ी के पास बॉल अभी भी ये हाथ के खिलाड़ी के पास बॉल हल्का शॉट ये बॉल कहां तक जाएगी और मुंबई के पास ही बॉल निकाल दिया शॉट किया बॉल बाहर टकराई ये फ्री हिट के लिए बॉल आएगा गोलकीपर के पास तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये है कि मून नाइट क्लब थोड़ा सा और जल्दी अपनी प्रहार अपने आक्रमण को शुरू करते तो ये नतीजा और सुखद होता इसी बीच दो एक कि आपने के साथ के साथ इस बीच अच्छा पांच हेडर मौका जैसे छह के लिए लंबा शॉट के लिए जाएंगे यह क्या कुछ होगा इस बार शॉट लिया लंबा बेहतरीन तरीके से गोलकीपर के हाथों से बॉल शिफ्ट की जरूरत थी लेकिन तारीफ कर रहे हैं नारायण जी इस गोलकीपर का आप मानना होगा काबिले तारीफ हालांकि ये बात सच है कि उन्होंने अपना काम को बखूबी अंजाम दिया है हेडर ऊंचा और एक बार हेडर इस बार हेडर हवा पर बहुत गोलकीपर को कितना मेहनत करना पड़ रहा है पूरी तरह से लग ये रहा है कि वन मैन आर्मी की तरह अकेले मोर्चा संभाले हुए गोलकीपर खेलवा के सांस लेने का मौका नहीं दे रहे इतना हमला इतना आक्रमण इतना अटैक चारों दिशाओं से और शायद खिलाड़ी चोटिल है और नियत आयनों का गाते हुए ना दो फॉसिल पार्क मांडरो बना एएफसी फरक का तलार हुआ मावे
वो तो याद करता है ना। अरे रेफरी वह बिना आदेश दे तो कोई हम दांत अपनी दिया। ये नियम है, चाहे वॉलेंटियर्स हो या कोई समर्थक हो, अनलेस वॉलेंटियर रेफरी आपको बुलाए आप पानी अंदर नहीं ले जाए, किसी तरह का मुहैया ना कराए। धन्यवाद धन्यवाद। इसी बीच बॉल को निकालना ही मुनासिब समझा तथा कोई टालते हुए कोई चारा भी नहीं था। खेल का ये अंतिम समय चल रहा है, दो यहाँ पर एक का मुकाबला, एक गोल तो बोनस के रूप में मिला है, वॉकओवर के रूप में, दूसरा सुशील रंजन ने गोल करा था और इसी बीच मौका है डायरेक्ट शॉट लेना चाहिए, सगाने की कोशिश यहाँ पर कितना रन लाएगा लेकिन गलती कर बैठे, दोनों नंबर जर्सी जल्दबाजी के साथ लंबा शॉट इस बार बहुत जाने दिया जाएगा पूरी तरह से लोगों का जो हुजूम है जुटता बढ़ता यहाँ और कल के मुकाबले लोगों की जो संख्या है वो हजारों की तादाद तक पहुंचता और इसी के साथ यहाँ पर विशिल लंबी खेल मेहनत करने की जरूरत है और देखिए खेरवा वाले अभी रुक नहीं रहे हैं क्योंकि जो आक्रमण का सिलसिला है काफी तेज हो गई है लेकिन अभी भी काफी वक्त बचा हुआ है साहब उनके पास, उन्हें और कोशिश करने की जरूरत है, तालमेल बैठाने की जरूरत है अपने टीम के साथियों के द्वारा और इसी बीच यहाँ खिलाड़ी गिरते हुए निश्चित रूप से यहाँ फॉल मिलना चाहिए और ये फॉल मिलता हुआ और एक सुनहरा मौका मिलता हुआ खेलवा की टीम। और स्कोर की बात करें तो अभी तक 2-0 की बढ़त बनाई हुई है और निश्चित रूप से मनोबल ऊंचा के खेलों से भी तेज शॉट मारने का कोशिश किया लेकिन वो गति नहीं दे पाए गेंद को और एक शानदार कलेक्शन और इसी बीच फिर से यहाँ साहब उनके पास बहुत सुनहरा मौका था लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जल्द कर रहे हैं और जो तालमेल की बात है वो थोड़ा उसमें कमी नजर आता हुआ और इसी बीच फिर से खेरवा के ही कमरे में गेंद बहुत सुंदर गेंद को आगे और बाउंस मौका लेकिन ये देखिए ये फॉल मिलता हुआ फिर से साहब के खेमे में गेंद बहुत सुंदर ये पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को देखते हैं क्या कर पाते हैं दिशा नंबर 10 के पास और देखिए काफी विलंब शायद थोड़ा जल्दी अपने साथी खिलाड़ी को देने का प्रयास करते तो शायद कुछ और परिणाम होता और इसी बीच फिर से साहब के खेमे में गए निश्चित रूप से इस बार चुप रहने जाएंगे बहुत सुंदर मौका देख सकते हैं लेकिन देखिए गेंद थोड़ा नियंत्रण से बाहर जाता हुआ दूर से ही निशाना साधने का प्रयास करेंगे लेकिन देखिए डिफेंडर काफी मुस्तैद और इसी बीच मौका और मौका औसत साबन के पास में से और ये गोल होता हुआ नारायण जी आपकी उम्मीद कर रहे थे काफी मशक्कत काफी मेहनत के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं और मंच का अपना सुबह पिच को मैच के बना मिला हो गया निश्चित तौर 8-9 मिनट या लगभग मैच हुई कला उन्हें यह मेरा भारी भरकम समय मिला गया इसी बीच अच्छा क्रॉस कटिंग पास इसी बीच विजय सोरेन सबसे खतरनाक खिलाड़ी दूर से ही सही भी नो नो शॉट लगी थी विजय सोरेन पूरा संपर्क पर गाने छाया निश्चित रूप से दूसरा मौका हो सकता था लेकिन देखिए गेंद में काफी गति थी लेकिन थोड़ा अगर नीचे होता तो शायद टीम जरूर अंदर जाती जी हां सुबह उन्होंने नो विजय शॉट तो नहीं भाजा वाला है मैंने कहा गोल मस्त के टुगुक टुगु वे हो गया निश्चित तौर पर नो हो असमंजस की तो है ना गोल मस्त के मैं राधा सर विजय है ना अडिमोज मंडे दोस्तों जो तो दर्शक अडिमोज नवा खेल रिया मैं खेल रही आनंद उठाते हुए और अडिमोज फिर से हम मौका देखिए लेकिन थोड़ा चुप होता हुआ और इसी बीच फिर से साहेब के कब्जे में इस बार देखिए राइट फॉरवर्ड को दिया है बहुत सुंदर मौका आ सकता है फिर से बॉल बनाने का कोशिश करेंगे दूर से ही अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढने का प्रयास इसी बीच देखिए खिलाड़ी गिरते लुढ़कते गेंद को नियंत्रण करने का प्रयास दूर से शॉट दबाने का प्रयास करेंगे देखिए थोड़ा चुप होता हुआ
जगह बनाने में नाकाम रहे खिलाड़ी, अन्यथा ये देखिए परिणाम निश्चित रूप से उनके पक्ष में। जी हां, शुरुआत बिल्कुल टीम रंगपम विजय शॉप शॉप बोले प्रॉब्लम डीपर शेड या पेनल्टी बॉक्स में खलबली मचाओ करा। इसी बीच अड़मट आर्मी धाम लाल लहास ने बढ़ाओ करा 10 नंबर 10 की बॉल मार चलिए बड़ी मच मौका बना। ओ हो 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 आठ नंबर ओ समय हटाओ करा आर्मी शॉट जेल में निश्चित तौर है मून नाइट अच्छा खेल दिखाते हुए इवन गेंदबाज उसे नजर लता जाते गारो का सपोर्ट लेकिन चितान चितान की गारो होना ये तमाम बोल लेना और बंग खान दो नोडे मून नाइट लिप अप खेलने के बिना पर लगभग लगभग 11 मिनट या मैच हो चुका हूं अपना लेकिन चीट मां बिगड़े हो अपना 1 मिनट या की गोल अंतराल में ना सपोर्ट जी। फिलहाल जो आक्रमण का सिलसिला है वो काफी तेज हो गए साहेबन के माध्यम से और दूर से ही निशाना साधने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक थोड़ा अगर दिशा होता तो निश्चित रूप से परिणाम उनके पक्ष में लेकिन फिलहाल आक्रमण जारी है प्रयास जारी है और अपने प्रदर्शन की जो निखार है उनके शरम पे साहेबन की टीम और इसी बीच ये गेंद आउट प्लान जाता हुआ तैयारी अच्छा थोड़ी जमीनी पास खतरनाक हो सकता है यहाँ पर दो नंबर पर बोल बिना चलिए दो नंबर मैच में मजा आ गया ये होता है खेल जब एक के बाद एक गोल होता है और दोनों टीम वार पलटवार करते हैं। इंतजार हमें इस बात का था अभी जैसे जैसे समय को बीतेगा वैसे वैसे खेल का रोमांच अपनी चरम को पकड़ेगा। फिलहाल एक गोल से शुरुआत कर दिया है और एक गोल अगर करते हैं तो स्थिति टाइट रहेगा बराबर पर। इसी बीच बॉल को आगे बढ़ा दिया हेडर अंदर बढ़ जाता हुआ लेकिन इसी बीच बॉल को निकालने में कामयाबी हासिल कर खेरवा की धड़कन तेज है। सुशील रंजन यहां थोड़ा खामोश है और बॉल अंदर जाता हुआ यह मौका पैकल किया बहुत जबरदस्त लेकिन गोल की पार वहां थे मौजूद कोई खिलाड़ी था नहीं अवसर हो सकता था काफी ऊंचा काफी आगे हेडर और इसी बीच यहां पर क्या होगा बिल्कुल सुशील रंजन के लिए पास बॉल के साथ आगे जाते हुए रोक दे इस बार नहीं तो ये हो सकता था ये तीसरा गोल। बॉल बाहर जबरदस्त अंदाज में ये खेल प्रगति कर रहा है 2-1 का आंकड़ा है खेल का 2 गोल खेरवा के खाते में एक गोल नाइट मून नाइट क्लब एक गोल इसके खाते में तो कहीं ना कहीं और एक गोल करना होगा और इसी बीच जब ये खिलाड़ी गोल कर रहे थे जो सीधा अच्छा होता जो जबरदस्त खिलाड़ी हालांकि उसको ज्यादा मौका मिला है सिर्फ एक ही उस अवसर को भुना पाई है 14 नंबर जर्सी बिल्कुल गोल से ऊपर मुस्तैदी से खड़े हैं मोर्चा संभाला हुआ लंबा शॉट लेते हुए इस पर लंबा शॉट लेना पड़ेगा हेडर कोई समय लेंगे नहीं जल्दबाजी के साथ दर्शन छह मिनटों के समय लोगों को साधा गया जल्दी से जा अच्छा खैर समझ में अच्छा पास स्नैपिंग के मौको साथी खिलाड़ी को देने की कोशिश हुआ पर बॉल को कैरी करता हुआ गति के साथ जाते हुए अच्छा पास वहां पर जाकर ढूंढने का प्रयास हुआ पर इस बार गैर में जैसी यहां पर इंटरसेप्ट ना था और बॉल चली जाएगी बाहर थोड़ी देर का मौका यहां पर मिलता हुआ और इसी बीच वंस अगेन खतरा यहां पर लहराता मंडराता हुआ खेरवा के क्षेत्र पर जबरदस्त अंदाज में खेल और इसी बीच यहां पर पांचों तरफ दबा दिया है यहां पर बराबरी होने का पूरा पूरा चांसेस था नारायण नहीं तो ये खेल बराबरी पर आए जब तक
होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जब होता तब होता, लेकिन खेल में जो रोमांच पैदा किया है ये काबिले तारीफ है। नाइट क्लब जबरदस्त इतना शॉट यहाँ पर रहता, ये खिलाड़ी गोल करे थे लेकिन यह झंडी ऊपर और शायद ऑफ साइड का क्लियर यहाँ पर सिग्नल आता हुआ। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा नोडे फिर वह गोल बन चाव लगी प्रयास रविना को शॉट की मूनलाइट टेक टू अटैक को अटैक करा जिसके चलते और भी टाइम अच्छा शॉट नोडे खंभों का बना जोर से नंबर 12 खंभों में ना यूनुस टीम रन डिफेंडर इसी बीच 15 नंबर लगे क्लियर करा 15 नंबर लहा से फहाग का की मैच जोर से नंबर भी आए सोरे टीम रन कप्तान लेकिन डिफ्लेक्ट होती भी इस बार जोर से नंबर 2 अडी मैच कीपर की टीम रियल पेनल्टी बॉक्स का प्रवेश और तैयारी जोर से नंबर 2 लहा से फहाग का और ये देख रहा है यहां पर गजब का यहाँ पर बॉल को क्लियरेंस दिया गया है अन्यथा यहाँ पर दूसरा गोल होता और बराबरी होता इसीलिए जो पर चले बन सके खिलाड़ी खतरनाक अंदाज में बॉल जाता हुआ चली गई है गलती हो गया है मौका कंसीड करता हुआ यहाँ पर दो नाइट क्लब जबरदस्त तरीके से पलटवार और ये खेल देखने लायक बनता हुआ यहाँ पर दोस्तों जाइएगा कहीं नहीं बैठिए कुछ भी संभव है धड़का में छेद होता है खेलवा का क्योंकि हमला हर तरफ से हो रहा है यहाँ पर। वाह वाह सी हर दुर्गा लुकुर लुकुर सवा अपना को नीचे की बुझोदा खेलवारन टीम सीर हुई हो या बांग हुई हो या चलिए इसी बीच फॉल अच्छा शॉट जोर से नंबर 6 और डिफेंड करना गेंद एक के बाद ये आक्रमण ये हमला जमीनी हमला आसमान से भी ये हमला ये दोनों प्रतिस्पर्धा ये क्या होगा बिल्कुल पता है लेकिन गोल कीपर है तैयार गोल किया गया थ्रो किया गया इसी में हालांकि ये खिलाड़ी जिसमें दो की गलती वजह से ये गोल खाए थे यहाँ पर और यहाँ पर फॉल होती है डिफेंस के खिलाड़ी लेकिन अभी खेल पर वापसी करता हुआ साथी खिलाड़ी को ढूंढता हुआ छपा किया हुआ जैसे एक के लिए मौका ये जैसे दो के लिए ये मौके साथ आगे जाता हुआ बिल्कुल और ये गलती पूरे से गलती करता हुआ यहाँ पर इंटरसेप्शन आता हुआ इस बार लंबा शॉट लेने के मूड पर अच्छी पास यहाँ पर व्हाइट के बॉल को और अच्छी पास जल्दबाजी में जैसे 6 के लिए मौका ये सॉरी सॉरी लिया है और ये मौका बहुत बेहतरीन बारंबार हमला बनाता हुआ हेडर सीने से बॉल को लेने की कोशिश वहां पर शॉट किया अचीव करने की कोशिश वहां पर ये लगी नहीं है बॉल पीछे बॉल को धकेल दिया कोई दूसरा चारा भी नहीं था जबरदस्त बहुत अच्छा खेल चल रहा है हेडर इस बार ये जसवंत को काफी आगे से खेलते हुए डिफेंस की पोजीशन साला की खेलते हैं अच्छी बात है 6 के लिए अच्छा मौका यहाँ पर लेकिन लंबा शॉट लेंगे समय थोड़ा ही बचा है बचे हुए समय में कोशिश ये जब दो जब गिर कर उठते हुए छिपा डिफेंस के खिलाड़ी के लिए यहाँ पर मौका पास करने का प्रयास वहां पर गैप कर देने की कोशिश वहां पर वैसे बिल्कुल बेहतरीन वहां पर पास समानांतर के बॉल को जमीन के ग्राउंड करने का प्रयास वहां पर अच्छी पास वहां पर बॉल अंदर जाता हुआ ये खिलाड़ी के पास मौका है ये सर ये बॉल के लिए बिल्कुल गोलकीपर के सामने थे अन्यथा यह अवसर हो सकता था नारायण जी जिस तरह से आक्रमण हो रहा है वो समय दूर नहीं कि बराबरी का हमें ये खेल देखने को मिलेगा ये बॉल देखने को मिलेगा वो शॉट देखने को मिलेगा अच्छा बहुत अच्छा खेल करता है यही चीज होना चाहिए था फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में जागे हैं थोड़ा देर से ही सही इस बार बॉल नाइट क्लब के क्षेत्र में जाता हुआ गोल के सामने कोई खतरा नहीं चलिए नहीं थोड़ा समय मिला गया अड्डी तक भी ज्यादा समय समय करा नहीं तो निश्चित तौर है अच्छा है ना चलिए मौका बनाओ निश्चित तौर है चलिए 14 नंबर तीन चिका अरे 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 नोट है को गोल लिखा तो बुढ़ा एकदम से देखिए मजा आ गया और ये बार ये गोल किया पकड़ लिया इस बार जल्दी नहीं किया
शॉट अगर सटीक लगता जमता तो यहाँ पर संभावना कनेक्ट करेंगे इस बार 17 बॉल अंदर जाती है डिफेंस तैयार लंबा शॉट खेले जाएंगे बिल्कुल यहाँ पर शॉट इतना ही जबरदस्त शॉट बिल्कुल बॉल ग्राउंड के अंदर ही प्ले पर इस बार मौका है बिल्कुल अकेले है हरे बाबा मान जो कथा हो अरे हरे 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 मोचा रिया बोला मैं मोचा रे कुटी रे मैं खा दो मान सिखाया नुआ लगे जान कथा की जान सब तो भी जान वोर्स की बनू आ मैं निकाय था खो आदमी उन्हें रहा याद करेंगे इसी चीज के लिए ऐसे चीजों के लिए कहा गया है लबों ने खता की है सदियों में सजा पाई है तो कहीं ना कहीं ये खता सदमा दे जाएगी सदी तक तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सदमा खो दिया है नारायण जी हाँ बिल्कुल इसी बीच अरे भाई मौका बनाओ आप भी दो आप भी खिलाड़ी को एक्सेप्ट कर लिया तेरा ओ हो 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 हेड बॉल हुई ना हेड बॉल हुई ना अन्यथा उन्होंने मौका बनाओ को खतरे या घंटी बिल दोस्ती क्या जितना क्या पे जितना क्या कुछ समय के लिए तो हमें भी लगता है कि हम भी जाए थोड़ा सा थम जाए मैच का आनंद लें और फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि इस खेल में कोई जान नहीं इस मैच में कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ बाकी है ये तक है यहाँ पर सुशील रंजन जैसे खिलाड़ी को पीछे आना पड़ा इसका मतलब मामला गंभीर है और इस बीच यहाँ पर ये शॉट अंदर गई नहीं है बॉल अपने पास इस बार शॉट जबरदस्त तरीके से डिफेंस के खिलाड़ी बिल्कुल लच्छी पास यहाँ पर टारगेट बनाने की कोशिश वहां पर अपने पास से बहुत रखता हुआ बहुत बहुत गैप में देने का प्रयास यहाँ पर शॉट बिल्कुल खिलाड़ी गैप में थे लंबा शॉट दिया इस बार मौका हेडर ये सर बारंबार प्रयास कर रहे हैं आई थिंक बहुत बहुत खरा वहां इस बार सर चोट लगे हवा को चीरता हुआ कहना पड़ेगा कि क्या शॉट लगाया था अगर बॉक्स में होता उतना साइड शॉट नहीं बॉक्स में होता तो गोल होता उसमें कोई शक नहीं था जबरदस्त लेकिन गोल नहीं आया है मजा आ गया खेल का परिणाम कुछ भी हो लेकिन और देखिए खिलाड़ी चले देखिए यहाँ पर अवसर था उस अवसर को चूका यहाँ पर और ये
निश्चित तौर है, निश्चित तौर है। मैं समझता हूँ यहाँ से अब ज्यादा समय आप लगे गया गहरा गया है, यहाँ से रिदम बढ़ाना होगा मुंबई के खिलाड़ी को। इसी बीच सुशील रंजन के पास बोलते जी सर, सबसे खतरनाक खिलाड़ी एक बार सुशील रंजन तीसरे गोल की तैयारी में गेंद को मोड़ा और ये निश्चित तौर पर और जूनस ने गेंद को यहाँ पर खेल दिया टच लाइन के बाहर। निश्चित तौर पर विपक्षी समय टीम ने काफी समय के बाद गजब का खेल चल रहा है नारायण जी, और ऐसा खेल देखने को मिलता है, इतना जोरदार टक्कर, इतना जबरदस्त क्रिया, और ये समय के आखिरी क्षण पर अगर ऐसा हो तो खेल का जो रोमांच है हम उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस बीच जाता है चला खिलाड़ी का जबरदस्त अंदाज है, गोलकीपर जबरदस्त हाथ ले देखिए, चलिए भरता भैया गोलकीपर जितना गुगल में जैसे तैसे ही सही लगातार उल्टे उल्टे तुम्हें साफ करा गया। निश्चित तौर पर बना हुआ हल्का और हेडबॉल लिया सारा निश्चित तौर पर। इसी बीच बॉल की क्रिया मौका अंतिम क्षण रहे, निश्चित तौर पर मौका को जान करता, अच्छा शॉट बड़े गोल हुई लगा, चलिए सुशीला हेडर छह नंबर हेडर का वो गोल 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 बार बार हमला हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है, गोल नहीं आया है फिलहाल, दूसरा अगर दूसरा गोल हो जाएगा तो ये बराबरी पर होगा खेल, हालांकि एक गोल को डिफेंड करने की जो दरकार है, सिर्फ एक गोल को अगर सुशील रंजन का गोल नहीं होता तो मामला कुछ भी हो सकता था, और इस बार मौका कंसीड करता हुआ यहाँ पर खेरवा के खिलाड़ी, बेहतरीन अवसर है अपने स्थिति को थोड़ा सा दुरुस्त करने के लिए। सुशील रंजन के वजह से नारायण जी मुझे लगता है कि टिके हुए हैं खेरवा के खिलाड़ी, अगर ये दूसरा गोल नहीं होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पर खेल का परिणाम कुछ और होता। बिल्कुल बिल्कुल लाइव जी नहीं दुर्गा जी, गोल कीपर जितना वजह देने को टिके उठना, इसी बीच शॉट बिल्कुल खराब शॉट, निश्चित तौर पर गोल कीपर जितना छोटे कटा कटा पे साफ करा, निश्चित तौर पर हमें हुई इन्हें धोने साफ करा, इन्हें धोने छोटे कटा करा, निश्चित तौर पर बड़ा बुझो बड़े करा, निश्चित तौर समान हर को नियम कर दिया, गोल कीपर जितना तही है, निश्चित तौर टीम मरांगे कमी करा, फिर वाटिंग लगी अंतिम क्षण पर, ये अंतिम घड़ी पर ये कोशिश से मशक मेहनत मेहनत कर दिया है ग्राउंड के बॉल को, शॉट हेलो हेलो नीतोई विजोदा खेरवार टीम को हंगाव ठीक करना, चलिए हल्का माइनस पास पेनल्टी बॉक्स रहे, लेकिन गेंद सीधे रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हुए।